हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस एंड हाउ टू चेंज द वॉइस, ठीक है ना। वॉइस माने होता है वॉच। वॉइस की डिफिनेशन होगी, वॉइस इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। मतलब वर्ब को इसमें जहाँ बताया जाए कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ठीक है ना। वॉच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव माने कर्तृवाच, पैसिव माने कर्मवाच, ठीक है ना। कर्तृवाच क्या होता है कि इफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, इज द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन The verb is said to be in the active voice, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, He is full। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। फिर दूसरा है पैसिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन इट देन द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जैसे फूड इज ईटन बाय हिम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट हो गया, तो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन, एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें कुछ प्रोनाउंस के परिवर्तन है, जैसे एक्टिव वॉइस में आई को पैसिव में जब चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा, बी का अस होगा, दे का देम होगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, इट का इट रहेगा, ठीक है। और चीजें हैं जो ध्यान रखना है कि जब वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है ना, ये एक्टिव में है, ठीक है। एक्टिव ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब को थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे, जैसे अ लेटर इज, वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगा, रिटन बाय आई का मी होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आई सब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट था, तो जब हम पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और एक चीज और, सहायक क्रियाओं का इसमें प्रयोग करेंगे, बार बार की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और टेंस थोड़ा सा अपने से एक कदम आगे जाएगा, ठीक है ना। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेगा, लेकिन उसमें वर्ब जो ना रहती है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, जबकि इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएगा और ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है।